अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के उपलक्ष में ज्वाली के श्री शिरडी साईं पांचवें दरबार भरमाड़ में विशेष भजन कीर्तन व हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। इस हवन में कई लोगों ने आहुतियां डालकर अपने आप को धन्य किया। इस अवसर पर मंदिर के पुजारी राजेश कौंडल ने साईं व भगवान श्री राम से जुड़े भजन प्रस्तुत करके भक्तों को मंत्रमुग्ध किया। इस अवसर पर उन्होंने जय रघुनंदन जय श्री सिया राम भगवान तुम्हारे चरणों में जब प्यार किसी को हो जाए, साईं जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, सुखदातिया सुखदातिया कई भजनों पर सुंदर प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर मंदिर के महंत राजेश कौंडल ने कहा कि 500 वर्षों के संघर्ष के बाद यह सौभाग्यशाली दिन आया है। उन्होंने कहा कि श्री राम के आदर्श एवं विचार भारतवर्ष की आत्मा में बसते हैं, उनका चरित्र एवं जीवन दर्शन भारतीय संस्कृति की आधारशिला है। राम मंदिर निर्माण से यह पुण्य भूमि अयोध्या जी पुनः विश्व में अपने पूर्ण वैभव के साथ जग उठेगी। वहीं दूसरी ओर राम जन्मभूमि अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के भूमि पूजन के उपलक्ष में आज शिवसेना ने भरमाड़ में लड्डुओं का प्रसाद बांटा। इसके साथ ही शिवसेना के जिला कांगड़ा उपाध्यक्ष राजेश कौंडल की अगुवाई में साईं बाबा के मंदिर भरमाड़ में हवन यज्ञ भी कराया गया। और इस मौके पर कांगड़ा चंबा प्रभारी नरेश कुमार ने कहा कि आज स्वर्गीय हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे का सपना साकार हुआ है। पिछले 500 सालों से हिंदुओं को इस दिन का इंतजार था। उन्होंने कहा कि पूरे भारतवर्ष के लोगों को माननीय सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा था और यह फैसला हिंदुओं के हक में हुआ है। ज्वाली से संवाददाता दौलत चौहान की रिपोर्ट। दोस्तों, आज बड़ी खुशी का दिन है कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी का सपना साकार हुआ है और सभी ने बड़े हर्ष और उल्लास के साथ ये दिन मनाया है और आज पूरे देश में खुशी की लहर है और हम लोग भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमारे ही काल में ये भव्य मंदिर का निर्माण शुरू होने जा रहा है। जय श्री राम। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।